जो हमारा ये मिक्स रिएक्शन है ये है वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं. सो व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल मेटल के आपको मैंने पहले भी बताए हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, सोडियम है. दीज आर द एग्जांपल ऑफ मेटल्स. व्हाट यू नो द सिंबल ऑफ वाटर H2O. ठीक है, तो अब ये है हमारा मेटल और ये है हमारा वाटर. लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH. ठीक है, तो यहाँ पर मेटल है, मेटल का नाम और उसके पीछे OH लग जाएगा. तो यहाँ पर हमारा मेटल कौन सा है? मैग्नीशियम. ये रहा मैग्नीशियम. और हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हमने इसको लगाया OH. तो ये बन गया हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड और पीछे बची है हमारी हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन. बट ये रिएक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं है, बैलेंस नहीं. तो उसको बैलेंस करने के लिए आप मैग्नीशियम के आगे टू लगाइए, वाटर के आगे भी टू लगाओ. टू मैग्नीशियम हुआ, फोर हाइड्रोजन हुआ, टू ऑक्सीजन हुआ. तो यहाँ पर टू ऑक्सीजन मैग्नीशियम हो गया, टू ऑक्सीजन हो गया, टू हाइड्रोजन और टू फोर. तो इस तरह से हमारा ये रिएक्शन बैलेंस हो गया. ठीक है, अगर हम इसको और किसी के साथ देखते हैं, अगर हम इसको कॉपर के साथ हीट कराते हैं, मेरा कॉपर वाटर क्या बनेगा यहां पर? अब कॉपर डी आयन क्या बनेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड वाटर. ठीक है, तो ये हमारा हो गया है कॉपर के साथ रिएक्शन. अब ये बैलेंस है, कॉपर वन है, यहां पर भी वन है, ऑक्सीजन टू है, ऑक्सीजन टू है, हाइड्रोजन टू टू सा फोर, टू एंड टू फोर. ठीक है, इस तरह से आप कोई भी मेटल लिख सकते हैं. मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो बस ये ध्यान रखना मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस जो है वो लिब्रेट होगी. गैस होती है वो हमेशा ऊपर की तरह इवॉल्वमेंट होती है, इसलिए यहाँ पर आप अपवर्ड एरो यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप आयरन का ले सकते हैं, जिंक का ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लेकर आप लिख सकते हैं, सोडियम का ले सकते हैं. सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल. सोडियम जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो एयर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है और वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है. मतलब अगर आप सोडियम की जरा से टुकड़े को वाटर के अंदर रिएक्ट करते हो तो वो एक ब्लास्ट क्रिएट करता है हमारे अंदर. ठीक है, तो लेबोरेटरी में जब हम सोडियम को यूज करते हैं तो बहुत केयरफुली करते हैं, उसके ऊपर वाटर टच नहीं होना चाहिए. यही रीजन होता है कि सोडियम को हमेशा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है. स्टार्ट. सो अब ये तो हो गया हमारा मेटल के साथ रिएक्शन. अब अगर मैं बात करूं तो नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, मीन्स नो रिएक्शन. नॉन मेटल और वाटर, नॉन मेटल जैसे कार्बन है, ये आपके पास वाटर है, तो ये कार्बन जो है वो डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा. तो नॉन मेटल को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करना है तो सबसे पहले इस नॉन मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट होना पड़ेगा. ऑक्साइड समझ पाया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, मीन्स अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन कार्बन नॉन मेटल, कार्बन को वाटर के साथ रिएक्ट करने से पहले इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट होना पड़ेगा. तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के लिए इसको पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा. और हमने प्रीवियस पढ़ा था कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. ये कार्बन डाइऑक्साइड अब वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है. ठीक है, तो जब अब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. अब जब कभी भी
अगर नॉन मेटल है, इंडस्ट्रीज चलती है सल्फर रिलीज करती है, ये भी नॉन मेटल है। तो जब ये कार्बन सल्फर और नाइट्रोजन जैसे सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में आते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद जब वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो बनाते हैं एसिड। ठीक है, तो ये जो तीनों है ये एसिड है। ठीक है, और इन्हीं की वजह से क्या होती है, एसिड रेन। बट अगर हम डायरेक्टली बात करें